बीती रात शराब के नशे में धुत एक किन्नर ने जिला चिकित्सालय में जमकर बवाल मचाया। काजल नामक किन्नर अपने दूसरे साथी किन्नर दुर्गा को रिहेबलाइज कराने जिला चिकित्सालय लेकर आई थी। इसी दौरान उसने 3 स्टाफ नर्स और 1 वार्ड बॉय के साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट कर दी। किन्नर काजल द्वारा की गई बदसलूकी व मारपीट की घटना से आक्रोशित नर्सिंग स्टाफ ने किन्नर काजल के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर काम बंद कर कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी किन्नर काजल को गिरफ्तार कर विधिवत कार्यवाही की। बीती रात नशे की हालत में दुर्ग जिला अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे किन्नर ने जमकर उत्पात मचाया, साथ ही ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्स के साथ भी मारपीट की। हम बता दें कि बीती रात दुर्ग जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे किन्नर ने स्टाफ नर्स के साथ नशे की हालत में दुर्व्यवहार किया और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। गौरतलब है कि किन्नर काजल अपने दोस्त का इलाज कराने दुर्ग जिला अस्पताल पहुंची थी। इस दौरान किन्नर नशे में थी। वही मरीज का उपचार करने के नाम पर स्टाफ नर्स के साथ दुर्व्यवहार कर मौजूद महिला स्टाफ को थप्पड़ भी मार दिया, जिससे आक्रोशित जिला अस्पताल स्टाफ ने इस घटना को अंजाम देने वाले पर कार्रवाई की मांग की और सिटी कोतवाली थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। मामले में दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीनाक्षी बारिक शासकीय जिला अस्पताल दुर्ग में जो नर्स के रूप में पदस्थ है, उन्होंने थाना आकर एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि काजल किन्नर नाम की एक व्यक्ति है जिनने हॉस्पिटल में घुस करके मारपीट किया है, कि रिपोर्ट पर थाना दुर्ग में तत्काल FIR दर्ज किया गया और FIR दर्ज करने के बाद में तत्काल आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभी अपराध में कितने शामिल है विवेचना का पार्ट है। अभी फिलहाल हमने काजल किन्नर है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है, जिसको हम रिमांड में पेश कर रहे हैं। 2 बजे से 8 बजे तक मेरी ड्यूटी थी जिला अस्पताल दुर्ग में कैजुअल्टी वार्ड में। पेशेंट आया, उसको OPD स्लिप में ही मैडम ने रखा और बहुत ही नशे की हालत में थे दोनों। एक तो बहुत बेहोश था, उसे रखा गया, बॉटल वाटल लगाया गया। उसके बाद 5 मिनट के बाद काजल किन्नर आई और हमसे बहस करने लगी, बोलने लगी कि अभी तक होश नहीं आया मरीज को। तो हम लोग समझाएं उनको कि इतना जल्दी नहीं होगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिर वो गुस्से में आकर मरीज का पूरा ड्रिप निकाल के उसको व्हील चेयर में बैठाई और बहुत मारी उसको हमारे सामने ही। वो सब मना करने के लिए भी बोले तो इतना गाली गलौज करने लगी काउंटर पे ही। उसके बाद वो पेशेंट को लेके बाहर चले गई। उसके बाद एक पुलिस वाला आया, उसके बाद सीधे वो आई वापस लेके आया कि भर्ती करना है करके, चलो इलाज करना। तो मेल वार्ड में घुसा, तो मेल वार्ड में फीमेल को नहीं रखते हैं। बस हमने ऐसे मना किया कि आप फीमेल वार्ड में जाओ, तो उसने गाली गलौज करना स्टार्ट किया। तो उसे मना किया गया कि गाली गलौज मत करो, तो बोला पुलिस मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। गाली गलौज के साथ उसने मुझे 2 थप्पड़ मारा पेशेंट के सामने। फिर वहाँ से मैं निकल के काउंटर में आ गई। उसके बाद फिर वो पेशेंट को फीमेल वार्ड में ले गया, और जबकि मैं दूसरे पेशेंट का इलाज कर रही थी, मतलब इंजेक्शन लगा रही थी उसको मैं। तो फिर काउंटर पे आ गए क्योंकि वो इतना एग्रेसिव था कि उस समय वो कुछ भी कर सकता था। तो सब कुछ छोड़ के हम काउंटर में आ गए। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद वो फिर से मरीज को उठाया, पेपर वेपर फाड़ा कि मुझे यहाँ इलाज नहीं करवाना है, हमारे ऊपर पूरा पेपर को फेंक दिया। यहाँ पर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इसलिए कार्रवाई करवाने के लिए आया। और अपनी सेफ्टी चाहते हैं कि दोबारा ऐसा किसी के साथ भी ना हो। हम लोग चाहते हैं कि हमें वहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि वहाँ पर जितने भी गार्ड है वो किसी काम के नहीं है, वो सामने आते ही नहीं, कोई उसको छूता ही नहीं है। और मैं जिला चिकित्सालय में जितनी भी स्टाफ ड्यूटी कर रहे हैं उनके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि सारी ज़्यादा से ज़्यादा 99% हमारी लेडीज़ काम कर रही हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है मैं ये पूछना चाहती हूँ। क्योंकि हम अपने घर से अपने बच्चों बाल बच्चों को छोड़ के यहाँ पे 3 शिफ्ट में करते हैं, चाहे वो रात के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक का हो, चाहे दोपहर का हो, तो हमारी सुरक्षा तो यहाँ नहीं होती है। तो हमारी जो स्टाफ है वो ड्यूटी कैसे करें, ना चौकी की व्यवस्था है ना कोई सुरक्षा है। सामने गार्ड बैठ जाने से बस हमारी सुरक्षा तो नहीं हो जाती है, उनको वो तो जब स्टाफ के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है तो कुछ काम भी नहीं कर रहे थे, वो वहीं खड़े हैं देख रहे हैं, तो ये थोड़ी ना हमारी सुरक्षा है। तो हमारी सुरक्षा अगर हम सब मरीज को, वो हम ये नहीं देख रहे कि वो कौन है क्या है, हमारे लिए तो एक मरीज था और मरीज की सेवा ही हमारा धर्म है। तो हमारे स्टाफ मरीज की सेवा ही कर रही थी, लेकिन आप
अगर दारू पी के भी आ रहे हो तो आपसे तो व्यवहार हमारी स्टाफ सही कर रही है ना, तो आप भी हमसे सही रूप में ही दीजिए। ये तो नहीं कि उसने दो चाटा मारा तो हमारे स्टाफ ने उसको उठा के दो चाटा मार दिया, है ना। तो आपसे हम यही उपेक्षा करते हैं, सारी जनता से ये उपेक्षा करते हैं कि आप आइए हमारे से, हमसे सेवा लीजिए, यहाँ पे हम तो सेवा करने के लिए बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे स्टाफ को आप कुछ भी करें और निकल जाए और उसके बाद हम थाने घूमते रहें यहाँ पे आके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।